नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। आगरा आए सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने ताज नगरी आगरा में नागरिकता संशोधन अधिनियम के संबंधित एक गोष्ठी का आयोजन किया, जहां मौजूद बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच में CAA संबंधित सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने अपने विचार रखे। गोष्ठी से पूर्व सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बैश अर्जुन नगर से रहने वाले लोगों के साथ में जनसंपर्क किया, NRC और CAA के संबंधित लोगों से बात रखी। इस दौरान जनसंपर्क में मौजूद लोगों ने डिप्टी CM दिनेश शर्मा का जोरदार और भव्य स्वागत किया। सेनानियों के बारे में और राष्ट्रभक्तों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहे हैं, उनको ना तो राष्ट्र का प्रेम ध्यान रहा कि जिस प्रकार से त्याग दिया, बलिदान किया सावरकर जी ने, उनके प्रति नतमस्तक होना चाहिए, उसके बजाय वो अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे बड़ा ताजुब है कि उनके जो सहयोगी हैं शिवसेना, वो किस प्रकार से सावरकर जी का अपमान सह रहे हैं। उनको चाहिए कि कांग्रेस को स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहें और शिवसेना आगे बढ़कर आए। बीजेपी इसका निंदा करती है, बीजेपी इसका विरोध करती है, और सावरकर जी हमारे आराध्य थे, हमारे श्रेष्ठ थे। वीर सावरकर को हम प्रणम्य भाव से हमेशा सम्मान देते रहेंगे। मुझे कहना है कि ननकाना साहब की घटना जो पाकिस्तान में घटी है, लोगों के आंख खोल देना चाहिए कि अल्पसंख्यकों पर किस प्रकार का अत्याचार पाकिस्तान में होता है। अगर हम उनको हिंदुस्तान में शरण नहीं देंगे तो कौन देगा उनको? जिस प्रकार से वहाँ पर धार्मिक स्थलों को जो अल्पसंख्यकों के हैं उनको फूंक देते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के साथ में बदतमीजी बेअदबी करते हैं, जिस प्रकार से वहाँ के लोगों के व्यापार को छीन कर उनके धर्म स्थल जला देते हैं, ऐसे लोग जब हिंदुस्तान आते हैं तो अगर हम उनका संरक्षण नहीं करेंगे तो दुनिया का कौन देश उनका संरक्षण करेगा? आज प्रश्न यही है, और इसीलिए आज हम लोग नागरिक संशोधन बिल पर जो है लोगों का जो भ्रम था उसको दूर करने के लिए आए हैं। प्रदेश के और देश के पूरे देश में हमारे पार्टी के तमाम नेता अलग अलग जिलों में इस प्रकार का जो दुष्प्रचार है उसके विरुद्ध जन जागरण करने के लिए निकले। आगरा से इमरान खान की रिपोर्ट।